अब पप्पू यादव जी बिहार से आए तो जरा उनके लिए यूपी के लोग तालियां भी तो बजा दें। बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ताली तो इन लोगों के लिए बजना। पप्पू जी ठीक ठाक हैं? मैं तो हमेशा ठीक रहता हूँ। अभी आपके बारे में बात हो रही थी, हमारे सहयोगी कह रहे थे, हम लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं कि मामला है क्या। आप कांग्रेस में हैं, इंडिया गठबंधन के पार्टनर के खिलाफ चुनाव लड़ लिए, कहाँ हैं अभी आप, स्टेटस क्या है? अच्छा, हमको एक बात समझ में नहीं आती। कोई पहली बार हम इंडिपेंडेंट तो लड़े नहीं, सिक्स टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फर्स्ट टाइम हम लेजिस्लेटिव, तो इसके पहले भी तो हम तीन बार चार बार इंडिपेंडेंट। आप तो सोशल मीडिया में बहुत छाए रहते हैं, वहाँ भी स्टेटस रहता है। मैंने तो आपने स्टेटस हम जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस से रह के और कांग्रेस के अलायंस पार्टनर के खिलाफ चुनाव लड़ना, तो अब कहाँ हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में डी राजा की पत्नी हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे, और गठबंधन धर्म के होने के बावजूद पंजाब में। अरे मैं तो सिर्फ आपकी बात पूछ रहा हूँ। आप यदि हमसे पूछ रहे हैं कि जी, आपने तो पहले ही कहा कि गठबंधन और कांग्रेस, ममता दीदी भी बाहर से कह रहे हैं मैं समर्थन दूंगा, और राहुल गांधी जी का जो रेस्पेक्ट है ममता जी को लेकर, या फिर डी राजा को लेकर, या सीपीएम को लेकर, वो तो राहुल जी तो गठबंधन धर्म। अभी जब हमारे एक मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस बुरे समय में सबसे कम सीटों पर लड़ रहे, मतलब मान रहे हैं कि आपका स्टेटस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अब। नहीं, मेरे कोई मैं तो जनता के बीच में रहने वाला आदमी, क्यों मैं मान लूँ कि मैं काफ़ी सत्संग की तो कम। चुनाव बिहार में भी हो रहा है, यहाँ रायबरेली अमेठी में आप क्या? नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता, जब सेकेंड चुनाव जब देश में कोरोना थी तो मैं उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में रेमडेसिविर और आपके मजदूरों को मैं क्यों पहुंचा रहा था? आप इस संघीय व्यवस्था में और डेमोक्रेसी यदि, हम ये जानना चाह रहे थे सिर्फ रायबरेली अमेठी क्यों? भाई नरेंद्र मोदी जी गुजरात से बनारस ही क्यों आ गए? आप नहीं 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 नहीं, हम पूछ कर और रहे हैं, हम कह रहे हैं आप चुनाव प्रचार रायबरेली और अमेठी में क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने कहा कि हम झारखंड में थे, धनबाद में थे, गिरिडीह में थे जहां प्रदीप जी चुनाव लड़ रहे हैं, फिर बिहार में सीपीआई सीपीएम माले जहां चुनाव लड़ रही थी, फिर यहां पर जहां एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ मुझे, और एक सच्चा सिपाही जो जिनके प्रति एक मैं ये जानना चाहता हूं, एक मजबूत ब्लेसिंग हो, प्रियंका जी का, राहुल जी का हमेशा ट्रस्ट रहा, लंबे समय तक हम लोग सदन में रहे, सदन के बाहर। तो प्रियंका जी ने आपको यहां बुलाया अपने प्रचार के लिए? जरूरी थोड़ी है कि अपने के बुलाने के बावजूद हम किसी भी तरह के चीज़ों में जाएं। ये बिहार सारण में और पाटलिपुत्र में जाएंगे प्रचार करने? निश्चित रूप से, मैंने आपको पहले भी कहा है, आज भी मैं कह रहा हूँ कि मीसा जी चुनाव लड़ रही हैं, और मेरी शुभकामना है कि मीसा जी चुनाव जीते हैं, या सारण में चुनाव जो लड़ रहे हैं, मेरी शुभकामना है कि वो चुनाव जीते हैं, और मैं यदि ऐसा महसूस करूँगा कि मीसा जी को मेरी ज़रूरत है सामाजिक रूप से, तो निश्चित रूप से, चूंकि वो एक दल हैं। अच्छा, और लालू यादव जी उसके संरक्षक हैं, नेता हैं, गठबंधन के हिस्से हैं। मैं जब मेरा गोल ही है इस देश में, लक्ष्य है मेरा कि देश के पीएम के रूप में, मैं सिर्फ आज के डेट में मुझसे कोई पूछे तो आज मुझे लगता है कि इस देश की आम चर्चा दो ही व्यक्ति की है पीएम के रूप में। एक यदि नैरेटिव और निगेटिव अप्रोच को लेकर के नरेंद्र मोदी जी हैं, तो सकारात्मक और सच्चाई के रास्ते चल के राहुल गांधी जी हैं। तो राहुल तो पप्पू जी, राहुल जी को जिताने के लिए, देखिए एक बात मैं बोलूं, हाँ, राहुल गांधी को किसी को जिताने की जरूरत नहीं है, उनके लिए एमपी तो जीतेंगे ना, तभी ना। मुझे लगता है कि बहुत छोटी छोटी बातें होती है मंच पर। रायबरेली जहां फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, और आज बेटे और बेटी के रूप में राहुल और प्रियंका गांधी, अमेठी और रायबरेली में मैं कोई माँ और मासी, मतलब एक परिवार। मैं अमेठी को भी दो दिनों से गया हूँ, मैं बहुत सारे गाँव गया हूँ, मैं जगदीशपुर को देख रहा था, मैं कल एक अच्छा, गांव गया था, बहुत एक, बड़ा एक, एक चीज में मैं एक कल बहुत बड़ा गांव गया था जहां पर राहुल गांधी ने तीन चीज लगाए, एक लगाए सीआरपीएफ कैंप, वहीं पर एक गैस प्लांट था,
और बगल में वहीं पर कोको कोला प्लांट था। मैंने पूछा ये कब लगा, तो कहा ये राहुल गांधी जी जब थे तब लगे। मैं परसों दो दिन पहले मैं दो रात में रुका जगदीशपुर में, मैं देख रहा था स्कूल, मैं एक अस्पताल को परसों देख रहा था जिसको यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने बंद कर दिया था। अच्छा, ये राहुल जी के लिए जब प्रचार करने आए हैं आप अपने आप आए हैं, आपने कहा? मैं आदि मैं वेल विशर हूँ आपका। हाँ। और आप कहीं आप किसी भी परिस्थिति में, आपके यहाँ बहनों की शादी हो, आप हमें ना याद करें, या आप किसी भी तरह के सामाजिक सरकार से हमारा परिवार आप जुड़े हुए हैं तो, और हम लोग एक दूसरे को परिवार के हिस्से हैं, और कांग्रेस एक परिवार ही है, कांग्रेस का हर वर्कर अपने को परिवार समझता है, या कोई नेता के प्रति जिनका आदर है, जैसे मैं मुलायम सिंह जी का बहुत आदर करता हूँ, और मेरी मानता है मुलायम सिंह जैसा लीडरशिप तो आप जब ये मैं आज तक नहीं देखा। तो ये जो बात आप कह रहे हैं परिवार है, तो मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के लिए आपको बुलावे की क्या जरूरत है, आप वहाँ भी बुलाए? नहीं, तो आपको पहले कहा कि एक मर्यादाएं होती हैं, एक अनुशासन होता है, दल की मर्यादाएं होती है। वहाँ किसी एक व्यक्ति के जिद ने पूर्णिया में गठबंधन के बीच, जहाँ हम चार बार MP रहे, मेरी माँ लड़ी, हम मधेपुरा में तीन बार MP रहे, मैडम मेरी तीन बार MP, दो बार सुपौल से रही, अभी राज्यसभा से है। तो जब मैं इंडिपेंडेंट ही पूर्णिया में था और मैंने निर्णय पहले ही लिया था कि हमें पूर्णिया लड़ना है, मुझे मधेपुरा अपने घर में नहीं लड़ना है, मुझे सुपौल नहीं जाना है, हम चाहते तो हम अपने बेटे को दे देते सुपौल, हम मधेपुरा लड़ जाते, जहाँ शरद यादव जी मेरे से चुनाव हारे, मैं वही बात तो कह रहा हूँ। और 285,000 से हम चुनाव जीते, हम मधेपुरा में मेरे लिए कहाँ प्रॉब्लम था। आप जो कह रहे थे एक व्यक्ति की जिद, आपने नाम नहीं बताया, नाम भी बताइए जरा पहले। नहीं, मैं एक बात बोलूँ, हमेशा थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिएगा, हमेशा जरूरी नहीं है कि नाम ही बोलते रहना चाहिए। पूरा का पूरा देश की ब्लेसिंग और ट्रस्ट मेरे साथ था, और पूरा मीडिया पूर्णिया में था, और दुनिया को सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता था कि हम कांग्रेस में क्यों गए। हम एक दिन पहले लालू यादव जी से मिले, और फिर कांग्रेस में जाने के बाद एक सीट को लेकर के इतना बड़ा द्वंद्व क्यों हुआ, और फिर हम जब बहुत पहले ही इस बात को दुनिया सबको जानकारी थी।